Hello everyone, welcome to my channel Komal Education Wing. It's me Komal Yadav. If you are new to my channel, then please like, share and subscribe. And I hope this video will help you a lot. Have a nice day. तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होना चाहिए, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कौन सा केस होना चाहिए, वो हम लोग डेराइव किए थे, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वी कैन रिप्रेजेंट एट व्हाट ई एम बाई ई सी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग एक दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे जिससे हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स उस वो फार्मूला से भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ मैं एक वेव फॉर्म बना रहा हूँ, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, दैट इज मॉड्यूलेशन होने के बाद में कैसा वेव फॉर्म बनेगा वो बनाने जा रहा हूँ, तो ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ हम लोग ये ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म मैंने यहाँ बना दिया कि मॉड्यूलेशन होने के बाद में मानिए ये वेव फॉर्म बनता है। तो इसको हम लोग इसका इनवेलप ड्रॉ कर लेते हैं, मानिए दोस्तों इसका इनवेलप हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका इनवेलप ऐसे बन रहा है, ठीक है दोस्तों, इसका इनवेलप ये बन जा रहा है। हम लोग लास्ट टाइम में क्या किए थे, यहाँ एक ये लाइन बना दे रहे थे और इसको हम लोग क्या मैसेज सिग्नल बोल रहे थे, और ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर आ रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ईएम बोल रहे थे, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, और इतना को हम लोग क्या बोल रहे थे, ईसी बोल रहे थे, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है, और ये टोटल को हम लोग क्या बोल रहे थे, ई मैक्स, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है दोस्तों। और ये जो इतना पार्ट था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ई मिन, दैट इज मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द व्हाट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो देखिए दोस्तों ये फिगर से, ये टर्म्स से हम लोग एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला आज यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में हम लोगों को काम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग ये फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ई मैक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई मैक्स, ई मैक्स ये टोटल है, देखिए ई एम प्लस ई सी लिख सकते हैं, ई एम इतना हो गया, बाकी का ये ई सी, मतलब ई मैक्स इज इक्वल टू हम लोग ई एम प्लस ई सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग ई एम प्लस ई सी, इसको इक्वेशन वन मान देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग जैसे कि ये फॉर्मूला तो समझ गए, अब जैसे कि ये इतना ई मीन क्या लिखेंगे, देखिए तो अगर ई ये ई एम है, टोटल ये ई एम है, तो ये पार्ट भी तो मेरा ई एम है, ठीक है, तो अगर मैं ये टोटल ई सी में से ये ई एम पार्ट घटा दूँ तो मेरा ई मिनिमम आ जाएगा, दैट इज ई मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, ई सी माइनस ई एम हम लोग लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग टू मान देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ई सी ई सी एक जगह रखने के लिए इसको यहाँ हम लोग सी कर देते हैं और यहाँ ई एम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अब जैसे कि इसमें हम लोग ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर, जैसे कि ये दोनों इक्वेशन को हम लोग एड कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को एड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा हम लोगों का, प्लस ई एम माइनस ई एम कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ई मैक्स प्लस ई मीन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ई सी, ठीक है, यहाँ ई मैक्स प्लस ई मीन इज इक्वल टू हम लोगों का टू ई सी आ जाएगा, तो इसमें क्या हम लोग ई सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मैक्स प्लस ई मीन बाई टू, तो ये हम लोगों क्या इसी का वैल्यू आ गया, इसी का वैल्यू, और हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या पढ़े थे, ई एम बाई ई सी, तो हम लोगों को ई एम, ई एम का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो देखिए अब हम लोग ई एम का जो वैल्यू इसमें हम लोग अगर निकालेंगे तो यही इक्वेशन को क्या कर देंगे, प्लस कर, यही इक्वेशन को यहाँ प्लस किए तो यही इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए एक इक्वेशन हम लोगों का ई सी इज इक्वल टू इतना आ गया, तो हम लोग ये इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू क्या आया, ई मैक्स प्लस ई मीन बाई टू, ये इक्वेशन आ गया हम लोगों को। अब यही इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यही इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक है, ये ई एम हो गया, ये ई एम हो गया, इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा कट जाएगा, तो अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ई मैक्स माइनस ई मीन
इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 2 em, दैट इज क्या हो जाएगा em इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मीन बाई 2। ये हम लोगों का आएगा, देखिए। तो अब ये ग्राफ से, ये वेव फॉर्म से हम लोग इसी का वैल्यू निकाल लिए, ईएम का वैल्यू निकाल लिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोगों का क्या है ईएम बाई ईसी। तो अब इसमें रख देते हैं, तो इसमें रखते हैं, देखिए। तो ये ईएम कितना आया, ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ईएम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मीन बाई 2, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ लिख लिए, देखिए दोस्तों। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ। अब जैसे कि वो फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएम मतलब क्या है, ईएम मतलब ई मैक्स, ई मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है, बाई 2 बाई क्या है ईसी, ईएम बाई ईसी, ईएम का वैल्यू ये रख हो गया, ईसी का वैल्यू ये रख देते हैं तो क्या हो जाएगा ई मैक्स प्लस ई मीन बाई 2, ये 2 हम लोग काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा ई मैक्स माइनस ई मीन बाई ई मैक्स प्लस ई मीन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक तो हम लोग ये फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड द वन ऑफ द अदर फार्मूला टू कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई मैक्स माइनस ई मीन बाई ई मैक्स प्लस ई मीन। ये हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये हम लोग फेस कर सकते हैं। जैसे कि एक वेव फॉर्म दिया रहेगा और यहाँ से बोलूंगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता लगाइए, तो अगर हम लोगों का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, तो वो दोनों टर्म से हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स अच्छे से पता लगा सकते हैं। जैसे कि तो दो फार्मूला हम लोग पढ़ लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, एक फार्मूला हम लोग पढ़ लिए ईएम बाय ईसी, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल बाय व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, एक ये फार्मूला, और एक दूसरा फार्मूला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता लगाने के लिए पढ़ लिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे की चीज पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।